कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से आए पार्टी नेताओं का स्वागत करने के लिए पहनाए गए माला को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस अधिवेशन का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अधिवेशन में शामिल होने आए कांग्रेसी नेताओं को एक माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। यह माला दिखने में सोने की तरह लग रही है। इस पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई थी। सीएम बघेल ने एक वीडियो शेयर कर भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की दिक्कत ही यही है कि वह न तो छत्तीसगढ़ को समझती है और न उसकी परंपराओं को, और मुहावरा है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। ठीक वैसे ही अडानी के मित्रों को सोना ही सोना दिखता है। मैं थोड़ा दो शब्द बीरन माला के बारे में बताना चाहूँ। ये बीरन माला जो बनाए जाते, वो बीरन माला एक खिरसाली नाम के एक पेड़ होते है और सूताखर नाम के घास, वो घास और खिरसाली नाम के पेड़ के नस से निकाल कर उखरे से बनाए जाते हैं माला और तैयार करे जाते हैं। बहुत मेहनत से ये माला तैयार होते और ये माला बहुत कीमती है। इस ये माला द्वारा जो है अभी हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर में जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो अधिवेशन 24, 25, 26 फरवरी तक के जो चलीस, उमा यही माला द्वारा राष्ट्रीय स्तर के पूरा देश से आए हुए राष्ट्रीय स्तर के नेता मन के स्वागत हुई। हम देख के बहुत खुश हन। एक प्रकार से हमार संस्कृति के जो पोशाक है, वो पोशाक ला एक प्रकार से श्री भूपेश बघेल जी आगे सहेज के रख के और एक प्रकार से एला प्रचार प्रसार करे के काम करे हैं। एक हर बार भूपेश बघेल ला भी बहुत बहुत धन्यवाद कहब और हमारे बैगा समाज की ओर से बहुत बहुत बधाई। पूरे राष्ट्रीय स्तर के देश से आए हुए नेता मन ला के माला से स्वागत करे है हमारे भूपेश बघेल जी, और एक हर बहुत एक हमारे समाज में एक अच्छा संदेश गए है और एक हर बार पूरा हमारे समाज के लोगन खुश हैं और माला के प्रचार प्रसार हुए और हमारे संस्कृति ला एक प्रकार से सहेज के रखे।